आज मैं आप सबको दिखाता हूँ कैनन के फोटोकॉपियर मशीनों के सेंसर को चेक करने का तरीका। ये मेरा सेंसर है, इस सेंसर को मैं कैसे चेक करूँगा कि ये ख़राब है या सही है। इसके लिए मुझे सामान की ज़रूरत होगी, दो सेल। ये मैंने दो सेल आपस में लेके ग्लू लगा के आपस में चिपका दिया है और दोनों के पॉजिटिव और नेगेटिव को आपस में सॉर्ट कर दिया है। इधर से मैंने सॉर्ट कर दिया है और ये मेरे पिन पूरे खाली हैं, ठीक है। अब उसके बाद मैंने लिया है एक ये तीन पिन का कनेक्टर, ये तीन पिन का कनेक्शन है, आप लोग गौर से देख लीजिए। ये तीन पिन के कनेक्शन की इस लेग को, राइट वाली लेग को मैंने एकदम खाली छोड़ा है। इस ये तार एकदम खाली रहेगा, इसमें अभी कुछ नहीं लगेगा। और इसकी बीच वाली, इस कनेक्टर की जो बीच वाली लेग है, बीच वाली जो पिन है, उस पिन से ये एक एलईडी पे कनेक्शन आया है। देखिए ये कनेक्शन इसकी बीच वाली पिन से एक पे आया है और थर्ड वाली से दूसरे पे गया है। अब मैं इन दोनों को सोल्डिंग से सेल के इस वाली पिन को इसकी निगेटिव पे डालूंगा। दिखाओ, अब मैं इस वाले से इसको मैंने इसकी सेल की निगेटिव, ये मैंने निगेटिव पे डाल दिया है। बीच वाली पिन किसी पे नहीं जाएगी, बीच वाली पिन एलईडी पे जाएगी और ये मेरी जो थर्ड वाली पिन है इसको मैं अपने पॉजिटिव में डालूंगा, इस पॉजिटिव पे। देखिए इस पॉजिटिव पे थर्ड वाली पिन है, वो मैंने इस पे डाल दी है। अब आप लोग देख लीजिए कायदे से, ये हमारे इस पिन की ये जो एक राइट वाली थी उसी ध्या के मेरे इस सेल पे आई है, बीच वाली एलईडी के एक लेग पे और थर्ड वाली एलईडी के दूसरे लेग पे और इस सेल पे। अब इस पिन में जब मैं सेंसर लगाऊंगा, अब जब मैं इस पिन पे सेंसर लगाऊंगा, तो मेरी एलईडी ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी। अगर मेरा ये देखिए, ये मेरी एलईडी, आप लोग देखिए ये मेरी एलईडी ऑन हो गई है। अभी मेरा सेंसर सही है, काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ये मैं इसमें बीच में जब कुछ कट करूंगा तो मेरी एलईडी ऑफ हो जाएगी। इट मीन्स ये मेरा सेंसर ओके है। ये